गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमने सिलॉग्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, पॉसिबिलिटी केस देखे थे और थोड़े बहुत आइदर और के केसेस भी हमने देखे थे, लेकिन हमने क्लियरली आइदर और नहीं देखा था। तो आज हम कंप्लीटली आइदर और पॉसिबिलिटी के केस कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके अपने सिलॉग्स के इस टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिलॉग्स। सिलॉजिज्म के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो है आइदर और। कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे आइदर और के, जिसके अंदर हमें कुछ समस्याएं आ रही थी। मैंने बच्चों के कमेंट्स भी देखे जिसके अंदर मैं चेक कर रहा था कि जहां पे आइदर और लगना चाहिए वहां पे वो नाइदर नॉर बता रहे थे। ठीक है, तो उन कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आज हम आइदर और की कंडीशंस देखेंगे। उससे पहले हम चेक क्या करेंगे, हमने जो चार तरह के स्टेटमेंट पढ़े थे, ऑल सम जिनको हम पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं, नो और सम नो जिनको हम नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं, ये दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, जिसमें ये ध्यान रखना है आपको बस ऑल को ए से, सम को आई से, नो को एम्प्टी वाले ई से और सम नॉट को मैक्सिमम लेटर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने इनकी एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म ही ले रखी है। ये जो तीन केसेस आपको दिख रहे हैं, केस नंबर वन, केस नंबर टू और केस नंबर थ्री, केवल इन तीन केसेस के अंदर ही हम आइदर और लगाते हैं और किसी के अंदर हम आइदर और की कंडीशन लगाएंगे ही नहीं। तो सर बात ये आ जाती है कि चौथा केस है कौन सा, तो देखो चौथा केस बनता है हमारे पास में ए और ई का। ए और ई के केस के अंदर कभी भी आइदर और नहीं लगता। अच्छा ये ए और ई है क्या, एक्चुअल में ए और ई है हमारे पास ऑल एंड नो। देखिए आइदर और होता क्या है, आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, इन दोनों को साथ नहीं ले सकता, एक टाइम पे कोई सा एक ही होगा, या तो ये वाला हो जाएगा या फिर ये वाला हो जाएगा। अगर ये है तो ये नहीं होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा। तो देखो ऑल और नो एक सिंगल ऐसी कंडीशन है जो कंप्लीट किसी चीज को बता देती है। अगर मैंने ऑल बोल दिया तो नो की कंडीशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसका मतलब कुछ भी हम नो के बारे में नहीं कह सकते, तो दूसरी कंडीशन तो किसी भी केस में ही नहीं बनेगी। किसी का दूसरी केस में ना तो पहला राइट हो पाएगा ना दूसरा राइट हो पाएगा, यदि पहले केस में एक राइट हो गया तो। बात समझ में आ रही है, ऑल और नो में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीशन शो करते हैं, कंप्लीट होते हैं ये अपने आप में ये कंप्लीट होते हैं, इसलिए इनके अंदर आइदर और नहीं लगता। यहाँ पे फिर संभावना या फिर आइदर और होने की बात ही नहीं की जाती है, क्योंकि एक ने ही अपने आप में पूरी तरीके से किसी चीज को इंटरप्रिटेट कर दिया है, ऑल बोल दिया है, अब कुछ और होने की तो संभावना ही नहीं है और ना ही या तो लगा सकते हैं हम। ठीक है, आइदर और वहां लगाया जाता है जहां पे किसी दूसरे के होने के चांसेस बनते हैं, ऑल और नो अपने आप में कंप्लीट होते हैं इसलिए इनके अंदर आइदर और की कंडीशन नहीं लगती है, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। अच्छा ये पहला केस कौन सा है मैं बता देता हूं, ओ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सम नॉट, ए से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑल। तो कहां पे लग जाएगा हमारे पास में, ऑल के साथ यदि दूसरा स्टेटमेंट सम नॉट का दिखाई देता है जिसमें सम नॉट नेगेटिव हो गया और ऑल पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में हम क्या लगा देंगे, आइदर ऑल लगा देंगे। केवल यही कंडीशन नहीं है, और भी है, मैं आगे आपको इसकी सारी कंडीशंस बताऊंगा। दूसरा ई से क्या रिप्रेजेंट किया, ई से रिप्रेजेंट किया एम्प्टी, एम्प्टी मतलब नो, और ओ से क्या रिप्रेजेंट किया हमने, ओ से रिप्रेजेंट किया हमने सम नॉट। ये हमारे पास में केस आई थिंक गलत लिखा गया है, यहां पे इसको आई कर लेना, आई और ओ ऑलरेडी है तो एक केस आपके पास क्या बन जाएगा, आई और ई का बन जाएगा, इसको आई कर लेना और इसको ई ही रहने देना। ठीक है, तो ई का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, ओ नो हो गया, और आई का मतलब हमारे पास में क्या हो गया है, आई का मतलब हो गया है सम। अच्छा मैंने इसको करेक्ट क्यों कराया, ओ को क्यों हटाया, क्योंकि देखो कभी भी आइदर और सेम कैटेगरी में नहीं लगेगा, मतलब आइदर और जिन दो स्टेटमेंट में लग रहा है वो दो स्टेटमेंट दोनों या तो पॉजिटिव नहीं होंगे और दोनों ही ना तो नेगेटिव होंगे, उनमें से एक का पॉजिटिव होना जरूरी है और दूसरे का नेगेटिव होना जरूरी है, तभी हम आइदर और का केस अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहां पे ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, और यहां पे भी यही होना पड़ेगा, अगर ई को मैं नेगेटिव ले रहा हूं मतलब नो का कंसिडर कर रहा हूं तो आई पॉजिटिव होना जरूरी है मतलब सम। और जो तीसरा केस है उसमें आई के साथ कौन आ गया, ओ, आई का मतलब क्या हो गया सम, और ओ का मतलब क्या हो गया सम नॉट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्लियर हो चुकी है इधर और की, इधर और की पहली कंडीशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट का यानी एक कंक्लूजन का पॉजिटिव होना जरूरी है और दूसरे कंक्लूजन का नेगेटिव होना जरूरी है, तभी मैं इधर और लगा सकता हूं। और लास्ट में आपको ये नोट दिखाई दे रहा होगा, ऑल मतलब ए और नो मतलब ई के साथ कभी भी हमारे पास में इधर और का केस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है। बात समझ में आ गई, यही अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गलती से भी मत लगाना इनके बीच में। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब हम आते हैं कंडीशंस पे कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है। देखो इसको थोड़ा सा एब्रीवेट बड़ा करके समझते हैं। ये देखो तीनों कंडीशन हमारे पास में है केसेस के साथ। केस नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, यदि सम जिसको हम क्या बोलते हैं आई के साथ में सम नॉट यानी क्या आ जाए ओ आ जाए। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है उसने, देखो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था ना आई और ई ओ की कंडीशन, ये देखो यहां पे पढ़ी थी, तो इसका एग्जांपल देखते हैं आई और ओ का। सम ए आर बी लिखा हुआ है, मतलब यहां पे क्या कंडीशन आ गई, पॉजिटिव वाली। सम ए आर नॉट बी क्या कंडीशन आ गई, नेगेटिव वाली, मतलब ओ की। तो इस केस के अंदर क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। कब, जब ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो और ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो, दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। मैं बता रहा हूं कौन कौन सी कंडीशन है, आगे देखो ये कंडीशन आएंगी, और उनमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं, तो इसमें आइदर और लग जाएगा। या फिर इसको कैसे भी बना सकते हैं, सम बी आर ए और सम ए आर नॉट बी। तो एलिमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस एलिमेंट से एक फर्क पड़ेगा कि एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ए के नीचे ए हो, मतलब यहां भी ए हो तो यहां भी ए हो, ए के साथ बी भी आ सकता है, बी के साथ ए भी आ सकता है, लेकिन एलिमेंट ए और बी ही होने चाहिए दोनों स्टेटमेंट में, उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्टेटमेंट में यानी दोनों कंक्लूजन में हमारे पास एलिमेंट ए और बी होने चाहिए, या फिर जो भी आपको दिए हुए वही होने चाहिए, उनके ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पे आते हैं कंडीशन नंबर टू की, यदि मैं बात करूं तो देखो ये भी हम पढ़ चुके हैं, सम मतलब आई और नो मतलब ई, अभी पढ़ा था ना आई और ई की कंडीशन। तो आई और ई की कंडीशन में कैसे, सम ए इज बी या ए आर बी बोल दो और नो ए इज बी कर दो, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्या लग जाएगा, आइदर और। कब लगेगा, जब ये दोनों कंक्लूजन गलत होंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। दूसरी कंडीशन, सम बी आर ए और नो ए इज बी, वही बात, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम होने जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, तो ऑल और सम नॉट की कंडीशन आ गई। तो ऑल और सम नॉट के केस के अंदर जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये ए हो गया और सम नॉट का मतलब ये ओ हो गया। तो ऑल और सम नॉट के केस के अंदर क्या आ जाएगा, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल आ गया। और दूसरा कंक्लूजन क्या आ गया, सम बी आर नॉट ए, ठीक है। अब देखो यहां पे इस केस के अंदर क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, जब ये दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली क्या होंगे, गलत होंगे। आगे क्या लिखा है, इज नॉट कंप्लीटली पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, इज नॉट कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये क्या नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो ऑल क्या शो कर रहा है, सभी के बारे में शो कर रहा है, सम नॉट किसके बारे में शो कर रहा है कि कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब हुआ कि एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है ये दोनों, ठीक है। यदि मैं बोल रहा हूं एक तरफ ऑल ए आर बी और दूसरी तरफ हमने बोला सम बी आर नॉट ए, तो देखो सम बी आर नॉट ए से ऑल ए आर बी तो बन सकता है ना, कैसे कि भाई इस सारे सारे ए को बी को ले जाऊं लेकिन इससे टच ना करूं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोल दोगे सम ए आर नॉट बी तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑल ए आर बी, और यहां क्या बोल रहे हैं, सम ए आर नॉट बी। इसलिए ये क्या लिखा है इसने, इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसका दूसरा फॉर्म नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज यहां तक क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे हमारे पास में तीनों कंडीशन हमें क्लियर है। पहली कंडीशन क्या थी कि सम और नो के सॉरी सम और सम नॉट के केस में दोनों ही बन सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम और नो के केस में भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकते हैं, बीच में और लग रहा है ना,
तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकते हैं, लेकिन ऑल और सम नॉट के केस में नहीं बन सकते, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, एक के अंदर तो सारे ए बी के अंदर हैं, तो ये वाला केस इसके साथ नहीं आ सकता, लेकिन ये वाला केस आ सकता है, इसलिए इनके बीच में आइदर और वो लगेगा, केवल दूसरे वाले इसके साथ में नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यदि हम आते हैं तो ये है आइदर और की कंडीशन। देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये तीन कंडीशन, जो कंक्लूजन फॉलो करेगा वही कंक्लूजन के अंदर आइदर और का केस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आइदर और की डेफिनेशन यहां पे शो करी हुई है, इट इज अ कंडीशन इन विच एनी ऑफ द टू कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा डाउट हुआ होगा ना आपको कि ये क्या लिख दिया, तो देखो फिर से पढ़ते हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच एनी वन ऑफ द टू कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। मैंने क्या बताया था, जब आइदर और लगेगा तो कोई सा एक बिल्कुल सही होगा, दूसरा गलत होगा, या फिर इसका उल्टा, पहला वाला गलत होगा और दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। तो इसने यही तो बोला है, इन विच एनी वन ऑफ द टू कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक टाइम पे कोई सा एक ही डेफिनेटली ट्रू होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑन पेयर ऑफ कंक्लूजन, क्या क्या एप्लीकेशन है, इसको एप्लीकेशन ना बोल के कंडीशंस बोल दें। तो क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे पास में, तो कंडीशन चेक कर लेते हैं यहां पे कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास में। ये तीन कंडीशन फॉलो करनी बहुत जरूरी है, तीनों ही कंडीशन जब एक साथ फॉलो होंगी केवल और केवल तभी हम आइदर और का केस लगाएंगे, अदरवाइज हम आइदर और का केस नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, ये ऑलरेडी कंडीशन हम देख चुके हैं ना, मैं आपको दो बार बता चुका हूं ऊपर, एक कंक्लूजन का पॉजिटिव होना जरूरी है और दूसरे कंक्लूजन का नेगेटिव होना जरूरी है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो आइदर और नहीं लगेगा, एक का पॉजिटिव होना जरूरी है, दूसरे का नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ठीक है, अभी तक आइदर और नहीं लगेगा। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, पढ़ो क्या, बोथ कंक्लूजन आर नॉट ट्रू एट द सेम टाइम। अभी हमने क्या कहा, एक ही समय पे दोनों कंक्लूजन सही नहीं होने चाहिए, और यही लाइन ऊपर भी लिखी है, इट इज अ कंडीशन इन विच एनी ऑफ द टू कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। एक समय पे केवल एक ही कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा, इसका मतलब यही हो गया कि दोनों कंक्लूजन एक ही समय पे सही नहीं हो सकते। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारे पास में सही होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन, वो भी सेम टाइम पे सही होनी चाहिए, क्या चीज, एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंक्लूजन आर सेम। समझ में आ गया, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों कंक्लूजन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन एक साथ सही हो जाएंगी, उस कंडीशन के अंदर हम अपने दोनों कंक्लूजन के अंदर क्या लगा देंगे, आइदर और का केस लगा देंगे। और आइदर और के केस के अंदर कम से कम कंक्लूजन कितने होने जरूरी हैं, कि दो कंक्लूजन के ऊपर ही लगेगा, सिंगल के ऊपर कभी भी नहीं लग सकता, ये तो पता ही है ना, तीन पे भी नहीं लग सकता, दो के पेयर पे ही लगेगा बस। आगे आते हैं, क्या नोट लिखा हुआ है पढ़ते हैं जरा। अगर एक निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निश्चित रूप से सत्य है तो दूसरा निष्कर्ष पूर्ण रूप से गलत होगा और इसका उल्टा भी सत्य होगा। बात समझ में आ गई, एक टाइम पे एक ही पूर्ण रूप से सही होगा, दूसरा नहीं होगा। बात क्लियर है सबको, चलिए क्वेश्चन में इसको चीज को समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास में क्या कंडीशन कह रहा है, कंडीशन कह रहा है डबल स्टेटमेंट का हमने क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं डबल स्टेटमेंट के इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कंडीशन है हमारे पास में। तो देखो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में दिया है नो पेन इज मार्कर, क्या मुझे नो पेन इज मार्कर दिखाई दे रहा है यहां पे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है नो पेन इज मार्कर। Some rubber are not pen. तो देखो ये रबड़ बना दिया, ये रबड़ का वो वाला सेक्शन है जो कि क्या नहीं हो सकता, पेन नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर हो गई सबको बात, तो रबर पेन और मार्कर के बीच में हमने एक कंडीशन क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। देखो पहला कंक्लूजन गौर से देखना, नहीं समझ में आए मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है। कंक्लूजन नंबर वन क्या कह रहा है, सम रबर आर नॉट मार्कर, कुछ रबर क्या नहीं है, सम रबर आर नॉट मार्कर, कुछ रबर मार्कर नहीं है। तो देखना जरा यहां इस डायग्राम से मैं रबर को केवल किसके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं, पेन के साथ। ठीक है, रबर और पेन का कनेक्शन है, वो भी कैसा, कि कुछ रबर जो है वो पेन नहीं है। क्या मैं रबर को मार्कर से जोड़ पा रहा हूं, बिल्कुल नहीं जोड़ पा रहा।
क्यों नहीं जोड़ पा रहा? यदि मैं ये कह रहा हूं कि ए की लड़ाई बी के साथ हुई है, ठीक है, और बी की लड़ाई सी के साथ हुई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए और सी की भी लड़ाई हुई है? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, ये तो एक कंडीशन है, हो सकता है हुई भी हो सकता है नहीं भी हुई हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कुछ रबर पेन नहीं है और कोई भी पेन मार्कर नहीं है तो रबर और मार्कर का तो कोई लिंक ही नहीं है, और जब दो कंक्लूजन या फिर दो एलिमेंट्स का आपस में कोई भी लिंक नहीं होता, इसका मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी कंडीशन निश्चित रूप से सही नहीं होगी। हाँ, क्या हो सकती है उनके बीच में? संभावना या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां कुछ ऐसा ही सीन बना हुआ है, सम रबर आर नॉट मार्कर में रबर और मार्कर जो आपको दिख रहे हैं इनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है। अगर मैं बात करूं पेन की, तो पेन भी इनको किसी तरीके से जोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा होता है, देखो उसमें बीच वाला एलिमेंट जोड़ पाता है, जैसे मैंने यहां लिखा रबर, सम रबर आर पेन एंड नो पेन इज मार्कर, ऐसे लिखा रहता है, तब उस कंडीशन के अंदर बीच वाला एलिमेंट जोड़ पाता है इस तरीके से। लेकिन ऐसा कब होगा? जब बीच वाला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ पॉजिटिव कंडीशन रखेगा केवल उसी केस में, और दूसरे वाले के साथ नेगेटिव रखेगा केवल उसी केस के अंदर। ऐसा हो सकता है यदि दोनों के अंदर ही उसने नेगेटिव रख दिया या दोनों के अंदर ही पॉजिटिव रख दिया, तो उस केस के अंदर हमें चेक करना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलें। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सम रबर आर नॉट मार्कर, ये हो गया गलत, क्योंकि इसकी संभावना हो सकती है। तो मैं आगे इसके आगे ही लिख देता हूं, इज अ पॉसिबिलिटी, यदि इस कंक्लूजन में लिखा रहता तब मैं इसको क्या कर देता, सही कर देता, लेकिन अभी ये मेरे लिए क्या है, गलत है। दूसरे पे आते हैं, सम पेन आर रबर, कुछ पेन क्या है, रबर है, तो सम पेन आर रबर। अब एक बात बताओ मुझे, अभी अभी हमने क्या कहा, सम रबर आर नॉट पेन, कुछ रबर क्या नहीं है, पेन नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता लग रहा है ना हमारे स्टेटमेंट से कि कुछ रबर पेन नहीं है, बाकी बचे हुए रबर पेन है या नहीं ये क्या हम निश्चित रूप से बता सकते हैं? क्या बचे हुए रबर का पेन के साथ रिलेशन है या नहीं हम ये बता सकते हैं? नहीं। इतने का बता सकते हैं कि कुछ रबर क्या नहीं है, पेन नहीं है, बस। इसके अलावा हम और कुछ नहीं बता सकते कि बाकी बचे हुए ये वाले जो रबर हैं क्या ये इन पेन के साथ लिंक्ड हैं कि नहीं है, कि कोई रिलेशन है या फिर नहीं। तो इनके बीच में क्या लग जाएगी, पॉसिबिलिटी। तो यहां तो पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, यहां तो वो डेफिनेट कंडीशन की बात कर रहा है। इसका मतलब सम पेन आर रबर ये गलत है, लेकिन हाँ क्यों गलत है, क्योंकि ये निश्चित रूप से पूछ रहा है हमसे। लेकिन यदि यहाँ पे इज अ पॉसिबिलिटी बोलता तो संभावना की बात हम कर सकते थे, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है अगर वो दिखाई दे रहा है तो। बात समझ में आ रही है? थर्ड पे आते हैं, सम मार्कर नॉट पेन, कुछ मार्कर क्या नहीं है, पेन नहीं। अब देखो यहां से कैसे पता लगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है मार्कर और पेन में कोई लिंक नहीं होगा, मतलब इनका रिलेशन नो का है। इनका रिलेशन किसका है, नो का है, और जब नो है मतलब कोई भी पेन मार्कर नहीं है, तो कुछ पेन भी क्या नहीं होंगे, मार्कर नहीं होंगे, या कुछ मार्कर भी क्या नहीं होंगे, पेन नहीं होंगे। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको क्लासरूम का कि कोई भी बच्चा क्लास में नहीं है, तो कुछ बच्चे भी कहां नहीं होंगे, क्लास में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सम मार्कर आर नॉट पेन, ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन और मार्कर के बीच में नो का रिलेशन आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो थर्ड तो राइट हो गया, अब जरा फर्स्ट और सेकंड को देखना, क्या इसमें आइदर और लग सकता है? क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों एलिमेंट क्या है, नेगेटिव, दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, नेगेटिव, मतलब ये दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, और इसमें से नीचे वाला पॉजिटिव है और ऊपर वाला नेगेटिव है। अगर एलिमेंट भी सेम हो गए तब मैं आइदर और लगा दूंगा, लेकिन रबर तो कॉमन है दोनों में, लेकिन दूसरा एलिमेंट मार्कर और पेन कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों नाइदर नॉर है, आइदर और की कंडीशन नहीं आएगी इनमें। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमें, सम शॉप्स आर रूम, बना लें इसको जरा, कुछ शॉप क्या है, रूम है, तो सम शॉप्स आर रूम, बना लिया हमने कंडीशन कि कुछ शॉप रूम है, पहली कंडीशन हो गई हमारे पास में। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम रूम्स आर नॉट होटल, सम रूम्स आर नॉट होटल, तो जब हम बोलेंगे सम रूम्स आर नॉट होटल, तो उस कंडीशन में रूम का कुछ पोर्शन ले लो, लेकिन उसका लिंक जो है वो शॉप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, तो अलग से लेंगे। तो सम रूम्स आर नॉट
होटल, सम रूम्स आर नॉट होटल, बना लिया हमने। ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम बनाया हमने हमारे स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट नंबर कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू के हमने वेन डायग्राम बना लिए हैं, ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो पहला कंक्लूजन हमें कह रहा है सम शॉप्स आर नॉट होटल, वापस वही कंडीशन आ गई। मुझे यहां चेक करके बताओ क्या मैं इसमें शॉप्स को होटल से लिंक कर पा रहा हूं? कर पाता कब कर पाता? जब ये सम नॉट का केस ना हो करके किसका केस हो जाता? नो का केस हो जाता। अगर ये सम नॉट का केस ना होके नो का केस हो जाता तब मैं बोल देता, देखो कैसे बना के दिखा देता हूं। मैंने यहां लिखा शॉप, यहां लिखा मैंने रूम, और यहां मैंने नो का कनेक्शन बना के क्या लिख दिया? होटल। तब क्यों हो जाता? क्योंकि उस कंडीशन में कोई भी रूम क्या नहीं हो पाता? होटल। और जो शॉप रूम के अंदर चले गए वो भी क्या नहीं हो पाते? होटल। समझ में आ गई? इसलिए उस कंडीशन में हम ये चीज क्या बोल सकते थे? राइट बोल सकते थे इस वाले में, अगर स्टेटमेंट ये होता तो। लेकिन अब स्टेटमेंट ये नहीं है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में? स्टेटमेंट ये है, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में नो रूम इज होटल नहीं बोला, उसने क्या बोला? कुछ रूम होटल नहीं है, बाकी बचे हुए हो भी सकते हैं और नहीं भी। और ये भी हो सकता है कि बाकी बचे हुए में ये शॉप आ रही हो, ये भी हो सकता है कि इसमें ये शॉप आ रही हो, ये भी हो सकता है कि बाकी बचे हुए में ये शॉप आ रही हो। इसका मतलब शॉप का और होटल का जो रिलेशन है वो कैसा है? पॉसिबिलिटी वाला है। मतलब ये एक कंडीशन बन भी सकती है और नहीं भी, लेकिन हम इसके बारे में डेफिनेट नहीं है। तो इसका मतलब इसने जो पूछा है वो तो डेफिनेट ही पूछा है ना। देखो सम शॉप्स आर नॉट होटल, तो हम निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते, डेफिनेटली ये नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, अगर मुझे ये लिख के दे देता इज अ पॉसिबिलिटी, तो डेफिनेटली अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो ये सही होती, संभावना इसकी सही होती, लेकिन निश्चित रूप से ये सही नहीं है। सेकंड में आते हैं, लिखा हुआ है ऑल शॉप्स आर होटल इज, अच्छा अब की बार उसने ऑलरेडी खुद से ही लिख के दे दिया इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब चेक करके देखते हैं जरा, ऑल शॉप्स आर होटल, क्या सारी शॉप होटल हो सकती हैं? क्या सारी शॉप होटल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जरूरी थोड़ी इस वाले सेक्शन के जो रूम है वो शॉप के साथ कनेक्ट करें, इनको छोड़ दो, बाकी बचा हुआ जो रूम है उस वाले का जो शॉप है वो साथ में लेके पूरा की पूरा रूम हम किस में डाल दें? होटल में डाल देते हैं। देखो कैसे, मैं बता देता हूं उसने क्या लिखा है, ऑल शॉप आर रूम, तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये अगर मेरे पास में होटल है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मैं क्या बना देता हूं यहां पे, ये मैं बना देता हूं शॉप, और कुछ शॉप क्या है? कुछ शॉप तो रूम है, ये रूम, और रूम के कुछ वाला पोर्शन मैंने बाहर बना दिया जो कि क्या नहीं है, होटल नहीं है। ये देखो मेरा स्टेटमेंट भी गलत नहीं हुआ, मेरी सारी शॉप होटल के अंदर भी चली गई। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है ऑल शॉप और होटल इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगी? सही। लेकिन अगर डेफिनेट पूछेगा तो सही नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ये बेसिक चल रहा है अभी, बेसिक में ये है। अगर हम एडवांस पढ़ते तो सोचो कितना ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो और भी अच्छे लेवल के आ रहे हैं। ओनली फ्यू के क्वेश्चन आजकल बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम वहां तक नहीं जाएंगे, ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी हम नॉर्मल बेसिक हमारी सिलॉग्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे सारे, बीच में कुछ पॉसिबिलिटी के केस भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है ओनली एआरबी, ओनली एआरबी दिख रहा है, ओनली एआरबी। और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको समझाया था, जब ओनली एआरबी होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम? ऑल बी आर ए लिखते हैं। और ऑल बी आर ए का जो केस होता है वो इस तरीके से बनता है, तो हमने बना दिया ऑल बी आर ए। जनरली आपको बताया था कि जनरली किसके लिए यूज आता है? सम के लिए यूज आता है, बताया था ना, जनरली मोस्टली, ठीक है, 1 to 99% तक कोई भी नंबर, ये सब किसके लिए यूज आते हैं? सम के लिए यूज आते हैं। तो जनरली बी आर सी, तो जनरली बी आर सी के लिए हमने क्या बना दिया यहां पे? सम बी आर सी। बात समझ में आ रही है? और ऑल सी आर नॉट डी, तो ऑल नॉट, ऑल नॉट को आपको ध्यान है हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ऑल नॉट को हमने रिप्रेजेंट किया था नन या फिर नो से। All C R not D, तो All C R not D मतलब No C is D। बात समझ में आ गया? मतलब ये एक अच्छे लेवल का स्टेटमेंट है जिसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है एक्चुअल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वेन डायग्राम बन गया, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कंक्लूजन चेक करते चलो, ये सारे की सारे कंक्लूजन जो आपको दिख रहे हैं डेफिनेट फॉर्म में है, तो या तो सही होंगे या तो गलत होंगे,
ठीक है, पहला आते हैं सम बी आर नॉट डी, क्या लिखा हुआ है, सम बी आर नॉट डी, कुछ बी क्या नहीं है, डी नहीं है। तो देखो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कुछ बी डी नहीं है, कोई भी सी क्या नहीं है, डी, और कुछ बी किस में अटक गए, सी में अटक गए। तो यहां पे अटके हुए जो बी है ना, जो सी के साथ अटक गए हैं, वो कभी भी क्या नहीं हो पाएंगे, वो कभी भी डी नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये जो सम बी आर डी लिखा, आर नॉट डी लिखा हुआ है, ये निश्चित रूप से सही है। इस सेक्शन के बी कभी भी डी में नहीं जा सकते, इसलिए सम बी आर नॉट डी की कंडीशन डेफिनेटली ट्रू मानी जाएगी। सेकंड पे आते हैं ऑल डी आर ए, सारे डी क्या है, ए है। अच्छा डी और ए का कोई रिलेशन है क्या दूर दूर तक, नहीं है ना, इसके बीच इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी के बीच में जब भी हम केसेस की बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे, संभावना यानी पॉसिबिलिटी की, और यहां कैसा लिखा हुआ है, डेफिनेट में, मतलब इसको तो आंख बंद करके क्या कर देना है, गलत। लेकिन ऑल डी आर ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सारे डी को ए में भेज दो, जा सकते हैं आराम से, तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, कुछ ए क्या नहीं है, डी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ना आपको, यहां से लेकर के यहां तक का, ये इसमें ए बी है और सी बी है, ए बी है और सी बी है, और जो ए सी में चले गए वो कभी क्या नहीं हो पाएंगे, डी नहीं हो पाएंगे, इसलिए सम ए आर नॉट डी क्या हो गया, डेफिनेट ट्रू हो गया। बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो जाएगा, सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी, कुछ डी क्या नहीं है, सी नहीं है, ये तो निश्चित रूप से सही है क्योंकि सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है, तो किसका भी होगा, सम नॉट का भी होगा, तो जब सारे ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब सम डी आर नॉट सी। अब आप चाहे सम डी आर नॉट सी लिखो वो भी सही, चाहे आप सम सी आर नॉट डी लिखो वो भी सही, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है, इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरा नोट चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ओनली ए आर, समझ में आ गया, जनरली मतलब मैंने लिखी हुई चीज को नीचे नोट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एलिमेंट को स्विच करना होगा ये हमें पता ही है। आगे चलें, देखो ट्रिपल स्टेटमेंट आ गए, अब तीन स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, ट्रिपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अभी भी ट्रिपल स्टेटमेंट ही था अगर आपने देखा हो तो। हम बात करते हैं सम फ्लावर्स आर रेड, कुछ फ्लावर क्या है, रेड है, कुछ फ्लावर क्या है, रेड है, हमने बता दिया कुछ फ्लावर क्या है, रेड है। ऑल रेड आर कलर्ड, सारे रेड क्या है, कलर है, सारे रेड क्या है, सारे रेड क्या है, कलर है। ठीक है, नो कलर इज व्हाइट, कोई भी कलर क्या नहीं है, व्हाइट नहीं है, तो नो कलर, नो कलर इज व्हाइट, बात समझ में आ गई, कलर का रिलेशन W से हो गया, तो चार स्टेटमेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां फ्लावर का रिलेशन W से हो रहा है क्या, W मतलब व्हाइट से हो रहा है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं हो रहा, ये तो बहुत दूर है, इसका मतलब इनमें पॉसिबिलिटी आएगी, नहीं, देखते ही कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, पहले डायग्राम को समझना है फिर कोई डिसीजन लेना है। आपको दिख रहा है ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन में फ्लावर भी है, इस वाले सेक्शन में आपके पास रेड भी है और कलर भी है, और क्या कहा गया है, कोई भी कलर व्हाइट नहीं है, मतलब इस सेक्शन के जो फ्लावर है ये कलर के साथ जा चुके हैं, इसका मतलब ये वाले फ्लावर क्या नहीं होंगे, ये वाले फ्लावर व्हाइट नहीं होंगे। इसका मतलब कोई कंक्लूजन यदि आपसे ये पूछता है कि सम फ्लावर आर नॉट व्हाइट, सम फ्लावर आर नॉट व्हाइट, सम फ्लावर आर नॉट व्हाइट, तो वो डेफिनेटली ट्रू होगा। ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी हैं। बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है, आगे देखें तो चलो एक बार इसको रब कर देते हैं क्योंकि ये हमारे इस कंक्लूजन के बीच में आ रहा है, सॉल्व करते टाइम ये दिक्कत करेगा। चलिए अब देखते हैं फिर से, तो जब अब मैं यहां पे बात करूंगा तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, सम फ्लावर आर कलर, तो क्या मैं इसको सही कर सकता हूं, डेफिनेटली सही कर सकता हूं, क्यों ये आप बताओगे, क्योंकि कुछ फ्लावर रोज में चले गए, रेड में चले गए, और सारे रेड किसके अंदर है, कलर के अंदर है, तो कुछ फ्लावर इनडायरेक्टली किसके अंदर चले गए, कुछ फ्लावर इनडायरेक्टली कलर के अंदर चले गए, तो सम फ्लावर आर कलर, डेफिनेटली ट्रू। सम रेड आर नॉट व्हाइट, कुछ रेड व्हाइट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जब कोई भी कलर व्हाइट नहीं है तो सम तो छोड़ो, कोई भी रेड भी व्हाइट नहीं होगा, मतलब नो रेड इज व्हाइट भी बिल्कुल सही है, नो रेड इज व्हाइट भी बिल्कुल सही है, और जब नो रेड इज व्हाइट है तो सम रेड आर नॉट व्हाइट तो डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं, दिया हुआ है सम कलर आर रेड, सम कलर आर रेड, जब सारे रेड कलर के अंदर है तो रेड वाले सेक्शन के कलर तो क्या ही होंगे,
रेड रेडी होंगे, रेड वाले सेक्शन के कलर तो कलर ही होंगे, तो सम कलर आर रेड भी डेफिनेट ट्रू हो गया। ऑल फ्लावर आर व्हाइट, सारे फ्लावर व्हाइट हैं, तो देखो सारे फ्लावर व्हाइट की कंडीशन जो है निश्चित रूप से तो सही नहीं हो सकती क्योंकि अभी हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ इसकी क्या राइट हो सकती है, पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात ये कर नहीं रहा। अब देखो अगर आप पांचवें कंक्लूजन को और तीसरे कंक्लूजन को देखोगे तो इसमें आइदर और के केस चेक करते हैं। देखो क्या यहाँ पे एलिमेंट सेम है, फ्लावर फ्लावर, व्हाइट व्हाइट, बिल्कुल। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऑल पॉजिटिव है और सम नॉट नेगेटिव है, बिल्कुल। लेकिन क्या तीसरी कंडीशन ट्रू कर रही है कि एक ही टाइम पे दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, नहीं कर रही, क्योंकि एक तो गलत हो रहा है लेकिन दूसरा सही हो जा रहा है, इसका मतलब इनके बीच में आइदर और नहीं लगेगा, ये नाइदर की कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज डेफिनेटली ट्रू। यहां तक की बात क्लियर है, क्या लिखा हुआ है नोट में, वी रिप्रेजेंट दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑल सम नो सम नॉट बाय सम अदर नेम, ठीक है, क्या करा किसी दूसरे नेम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट यदि मैं चलूं तो देखो पॉसिबिलिटी के कुछ केसेस यहां आपको बताए गए हैं, क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी में आएंगी। देखो तो सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी केसेस क्या होते हैं, इन दीज केसेस, इन केसेस के अंदर क्या होगा हमारे पास में, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन सम स्टेटमेंट विल बी गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स दैट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, क्या होगा ये गिवन स्टेटमेंट से वेरीफाई होंगे। इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन सम स्टेटमेंट विल बी गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन That can be verified from the given statement. इसका मतलब है कुछ condition के अंदर जो conclusions होंगे वो किससे verified हो जाएंगे, statement से verified हो जाएंगे, पूरी तरीके से नहीं कुछ हद तक। हमने बात करी थी ना कुछ state, कुछ diagram से तो वो बनता है कुछ से नहीं बनता, तो वो किस केस में चला जाता है, possibility में। We should ignore the actual meaning of the term. Actual meaning को तो ignore करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ diagram से show कर रहा है कुछ से नहीं show कर रहा। These question can be solved by using Venn diagram. ये भी हम जानते हैं क्योंकि बिना Venn diagram के हम possible Venn diagram और non-possible Venn diagram बना ही नहीं सकते। When there is no exact conclusion for the given statement, then possibility case arise. क्या कहा गया है? यदि वो conclusion पूर्ण रूप से सही नहीं है, तभी क्या बनती है? संभावना बनती है। यदि वो definite true हो गया, तो possibility बन ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि वो निश्चित रूप से सही हो गया। If the conclusion is false in one Venn diagram and true in the other, ये किया था ना हमने, एक Venn diagram में तो गलत है लेकिन दूसरे Venn diagram में सही है, then the conclusion is deducted as partially true. और partially true की condition ही किसके अंदर आती है, possibility के अंदर आती है। बात समझ में आ रही है बात? तो इस कंडीशन से हम क्या समझ सकते हैं, possibility ये केवल थ्योरी है, इस पे नहीं जाना है, हमें बेसिक फंडामेंटल समझना है। क्लियर? एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका, ताकि हमें ये कंडीशन क्लियर हो जाए कि क्या क्या हमारे पास में आएगा। ये देखिए यहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नो फैन इज अ लाइट, नो फैन इज अ लाइट, नो फैन इज अ लाइट, ऑल बोर्ड आर फैन, नो फैन, तो इसको काट दो, यहां पर एफ आ जाएगा, नो फैन इज अ लाइट, ऑल बोर्ड आर फैन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, तो इसको काट देते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। सारे बोर्ड किसके अंदर है, फैन के अंदर है, और नो फैन इज लाइट है, ये कंक्लूजन आ गया। और ऑल फैन आर वायर, सारे फैन क्या है, तो वायर है, सारे फैन वायर है, तो एक बड़ा डायग्राम और बनेगा जिसमें ये वायर हो जाएगा, तो सारे फैन वायर के अंदर है और सारे बोर्ड फैन के अंदर है, तो और ये क्या है, नो का रिलेशन किसके साथ है, फैन के साथ है, वायर के साथ नहीं है। ऑल बोर्ड बीइंग वायर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बोर्ड के वायर होने की संभावना है, तो सारे बोर्ड के, ऑल बोर्ड बीइंग वायर इज अ पॉसिबिलिटी, देख रहे हो आप यहां पे, जस्ट चेक करना, सारे बोर्ड किसके अंदर है, फैन के, और सारे फैन किसके अंदर है, वायर, तो डेफिनेट सी बात है ना कि सारे बोर्ड ऑलरेडी किसके अंदर आ रहे हैं, वायर के अंदर, तो सारे बोर्ड वायर होने की संभावना तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉसिबिलिटी हटा देते और ऐसे बोलते ऑल बोर्ड बीइंग वायर्ड, यस, क्योंकि ऑलरेडी ये डेफिनेटली ट्रू है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो जब चीज डेफिनेटली ट्रू होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते हम, और अगर एग्जामिनर कंक्लूजन में पूछता है तो उसको हम गलत कर देते हैं। नो बोर्ड इज अ लाइट, कोई भी बोर्ड लाइट नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना, क्यों,
क्योंकि कोई भी फैन लाइट नहीं है और सारे की सारे बोर्ड किसके अंदर आ रहे हैं, फैन के अंदर। तो जब कोई भी फैन लाइट नहीं है तो कोई भी बोर्ड भी क्या नहीं होगा, लाइट नहीं होगा। बात क्लियर है। और ये जो दसवां क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, पॉसिबिलिटी का केस। आप जब इसको सॉल्व करोगे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना, मैं वहीं पे आपको समझाऊंगा कि जिनका गलत है वो क्यों गलत है और सही है तो सही है ही। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमारे एफर्ट बहुत ज्यादा है, आपको नहीं पता कि कितना टाइम निकाल करके हम आपके लिए लेक्चर बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो अभी हम लगातार बेसिस पे ये काम करते जाएंगे। ठीक है, केवल आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, आपको पता है हम सर्विस वाले लोग हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल आप लोगों के लिए कि एफसीआई के लिए कोई भी सेशन या कोई भी क्लास नहीं चल रही है यूट्यूब पे, इसलिए स्पेशली हम ये सारे सेशन बना रहे हैं केवल आपके लिए। तो प्लीज मोटिवेट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।